झारखंड उच्च न्यायालय ने सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा और प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव समेत 24 अन्य भाजपा नेताओं को अग्रिम जमानत दे दी है। इन नेताओं पर विधानसभा में नमाज स्थल बनाने के मुद्दों पर भाजपा के घेराव के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने विभिन्न गैर जमानतीय धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने पैरवी की। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा नमाज स्थल के लिए कमरा आवंटन करने के बाद झारखंड सरकार ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान भड़की हिंसा थी और पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया था और लाठीचार्ज भी हुआ था जिसमें अनेक नेता घायल हुए थे। आज हाईकोर्ट में सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा और बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव के साथ अन्य 24 लोगों का एंटीसिपेटरी बेल का सुनवाई हुई और आज इन हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट भी कर दिए। ये मामला विधानसभा में स्पीकर के आदेश से जो नवाज स्थल का अनाउंस किया गया था उसी सिलसिले में इस प्रदर्शन किया गया था, जिस प्रदर्शन के तहत कुछ लोग प्रोटेस्टर्स में जो लोग थे उनमें इंजर्ड भी हुए, जो इस ऑर्डर में भी जिक्र किया गया है। और इसका बदले में पुलिस ने इनकर 353 और अदर अलाइड सेक्शन पे केस लॉन्च किया और दोनों पक्ष को सुनने के बाद आज को आज जमानत मंजूर कर दिया।